स्वागत है आपका इस वीडियो में। बिना किसी देरी के आप बात करते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में, यानी कि पाठ्यपुस्तक के बारे में। पाठ्यपुस्तक क्या होती है, पाठ्यपुस्तक का अर्थ जानेंगे, पाठ्यपुस्तक की परिभाषा, विशेषताएं, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पाठ्यपुस्तक का अर्थ क्या होता है, देखिए बिल्कुल आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में इसको समझ जाना कि पाठ्यपुस्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस पुस्तक, अर्थात पाठ से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं उन्हें पाठ्यपुस्तक कहते हैं। पुस्तक एक प्रकार की लिखित सामग्री है जिसका प्रयोग शिक्षण अर्थात शिक्षण विधि के रूप में किया जाता है। पुस्तक किसी भी विद्यार्थी, अध्यापक तथा अध्ययनरत मनुष्य के लिए ज्ञानवर्धक तथा पथ प्रदर्शक का काम करती है। तो पाठ्य पुस्तक के अर्थ में आपने क्या देखा कि पाठ्य पुस्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस पुस्तक, अर्थात पाठ से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक कहते हैं। अब पुस्तक क्या है भाई, पुस्तक एक प्रकार की लिखित सामग्री है जिसका प्रयोग हम शिक्षण के लिए करते हैं, शिक्षण विधियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और पुस्तक क्या है दोस्तों, पुस्तक किसी भी विद्यार्थी के लिए, अध्यापक के लिए तथा अध्ययनरत पुरुष, अध्ययनरत मनुष्य मतलब पढ़ाई करने वाले मनुष्य के लिए ज्ञानवर्धक तथा पथ प्रदर्शक का काम करती है। कौन, पाठ्य पुस्तक, अपनी बुक, अपनी किताबें। इसी के आगे आपको लिखा गया कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक अपनी अहम भूमिका निभाती है। शिक्षण अधिगम मतलब सीखना और सिखाना, ठीक है, क्योंकि जैसी पाठ्यपुस्तक होगी वैसी ही अधिगम प्रक्रिया भी होगी। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि अच्छी पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। क्यों भाई, पाठ्यपुस्तक का अच्छा क्यों होना, क्योंकि जैसी पाठ्यपुस्तक होगी वैसी प्रकार की अधिगम होगी। इसमें प्रत्यय को उचित उदाहरण, प्रत्यय को उचित उदाहरण चित्रों एवं ग्राफों द्वारा समझाया जाता है। जो भी चीज़ें पढ़ानी है उसको उचित उदाहरण, उचित चित्र, उचित ग्राफ बना के बच्चों को समझाया जाए, और साथ ही साथ विषय वस्तु के साथ संदर्भ सूची का भी निर्माण किया जाता है। तो ये तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक, एक्चुअल में देखिए पाठ्य पुस्तक का अर्थ एग्जैक्टली आपको कौन ये बिल्कुल बोलचाल की भाषा का शब्द है, तो आपको अपने भाषा में ही इसको ऐसे लिख लेना है बिल्कुल आसान से भाषा में। तो ये हो गया पाठ्य पुस्तक का अर्थ। अब पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएँ हम देख लेते हैं, दो चार विद्वानों के द्वारा उनके कथन में उन्होंने पाठ्यपुस्तक की क्या परिभाषा दी थी। तो सबसे पहले ब्रेकन ने क्या कहा था पाठ्यपुस्तक के लिए, कि पाठ्यपुस्तक कक्षा में प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। पाठ्यपुस्तक कक्षा में प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है जो शिक्षा नियुक्ति से सुसज्जित होती है। जो शिक्षा नियुक्ति से क्या होती है भाई, सजी हुई होती है, और इसका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा होता है। किस लिए, कक्षा में प्रयोग के लिए। लेज के अनुसार, लेज ने बड़ा ही आसान और सिंपल सा उदाहरण दिया है, पाठ्यपुस्तक अध्ययन क्षेत्र में किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक है। क्या भाई, पाठ्यपुस्तक अध्ययन के क्षेत्र में किसी शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक है। मान लीजिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की एक प्रमाणिक पुस्तक होगी, वो इसी को पाठ्यपुस्तक कहते हैं। आपके यूनिवर्सिटी की एक अलग पाठ्यपुस्तक होगी तो, और अलग यूनिवर्सिटी की अलग पाठ्यपुस्तक, वो प्रमाणित होती है पाठ्यपुस्तक किसी क्षेत्र की शाखा की। नेक्स्ट देखिए हैरोलिकर ने क्या कहा था पाठ्यपुस्तक के बारे में। हैरोलिकर ने कहा कि पाठ्यपुस्तक, देखिए ये बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया इन्होंने, पाठ्यपुस्तक क्या है, ज्ञान, अनुभव, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों का संचय का साधन है। पाठ्यपुस्तक एक साधन है किस चीज़ का, ज्ञान, अनुभव, भावना, विचार तथा प्रवृत्तियों के संचय का एक साधन है पाठ्यपुस्तक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टी रेमंड के अनुसार पाठ्यपुस्तक क्या है, पाठ्यपुस्तक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठ की पूरक होती है। तो दोस्तों ये 1, 2, 3, 4 डेफिनेशन आसान से शब्दों में, ये हमें एग्जाम्स में लिखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्यों है, पाठ्यपुस्तक का यूज क्या है। तो देखिए पाठ्यपुस्तक को ना दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, इसकी दो तरह की आवश्यकताएं होती है। पहला, पाठ्यपुस्तक की विद्यार्थियों को भी आवश्यकता होती है, और पाठ्यपुस्तक को अध्यापकों की भी आवश्यकता होती है। तो पहला क्या होगा भाई, विद्यार्थी के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तक की क्या आवश्यकताएं हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी क्या यूज करता है पाठ्यपुस्तक का, तो विद्यार्थी अपने जिज्ञासा व ज्ञान की वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक का इस्तेमाल करता है, ऑब्वियस सी बात है। और पाठ्यपुस्तक की सहायता से विद्यार्थी क्या करता है भाई, विद्यालय में पढ़ाए गए पाठ को समझने में सहायता मिलती है, ऑब्वियसली। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, विद्यार्थी गढ़ पठित पाठ्य का
पुण्य स्मरण करने के लिए भी पाठ्य पुस्तक का सहायता लेते हैं, मतलब रिवीजन करने के लिए भी हम बुक्स का सहारा लेते हैं। और चौथा पॉइंट क्या भाई, पाठ्य पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी नए नए खोजों की प्रवृत्ति का विकास होता है ऑब्वियसली। पांचवा देखिए भाई, पांचवा है विद्यालय द्वारा मिले गए गृह कार्य को पूरा करने में पाठ्य पुस्तक क्या होता है, सहायक होता है। किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्योग को प्राप्त करने के भी पाठ्यपुस्तक सहायक होता है, और पाठ्यपुस्तक के द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। अच्छा सच में, ओके सीरियसली, ओके तो मान लेते हैं भाई पाठ्यपुस्तक, आई एम सो सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग, या सीरियसली मतलब पाठ्यपुस्तक से बच्चे प्रेरित होते हैं, उनको नई किताबें दीजिए, उनके पढ़ने का इंटरेस्ट बन जाएगा, खासतौर पर स्पेशली किड्स बच्चों को, या फिर जो 5 और 6 से कम है उनके लिए क्या प्रेरित प्रेरणा का स्रोत बनती है पाठ्यपुस्तकें, सीरियसली बात है। पाठ्यपुस्तक के द्वारा कक्षा में विद्यार्थी एक साथ बंद बनाने में सहायक सिद्ध, पाठ्यपुस्तक अच्छा कक्षा में विद्यार्थियों को एक साथ, अब पाठ्यपुस्तक क्या करता है, सारे विद्यार्थियों को एक साथ जोड़े रखता है। अब मान लीजिए कुछ कोई और पढ़ रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है, एक बुक्स रहेगा तो सारी चीजें, सारे विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, और पाठ्यपुस्तक की सहायता से बालक श्रम व समय की बचत होती है ऑब्वियसली बात है। और परीक्षा के समय पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक बन जाता है। तो देखिए ये बड़ा जनरल सी चीज़ है कि विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो इसके कुछ बिंदु मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ज्ञान की वृद्धि के लिए, एग्जाम्स में सहायता होती है, रिविजन्स के लिए, और पाठ्यपुस्तक और क्या भाई, नए नए खोजों के लिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने दिए, इसके अलावा आप भी अपने तरफ से कोई पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें कोई बात है नहीं कि आप यही पॉइंट लिखे, आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये बस समझने वाली छोटी छोटी पॉइंट्स है, इसको समझ जाइए ताकि एग्जाम्स में इसको बहुत पढ़ना ही नहीं है, रटना ही नहीं है, ठीक है। एक बार वीडियो देख लिए बात खत्म, एग्जाम्स में आएगी तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, हम उसको लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था, विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता। अब अध्यापक के लिए भी पाठ्यपुस्तक आवश्यकता होती है, क्यों भाई, क्योंकि अध्यापक को भी किसी कक्षा में क्या पढ़ाना है यह मार्गदर्शन पाठ्यपुस्तक से मिलता है, पाठ्यपुस्तक उनके मार्गदर्शन कराती है। नेक्स्ट क्या है भाई, पाठ्यपुस्तक की सहायता से अध्यापक को पहले पता चल जाता है कि उन्हें कल क्या पढ़ाना है और इसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट, एक अध्यापक के लिए पाठ्यपुस्तक क्या है, एक वरदान के स्वरूप है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक की सहायता से ही अध्यापक अपनी कक्षा को विभिन्न प्रविधियों के द्वारा आकर्षक बनाते हैं, नए नए तरीकों से, नए नए विचारों से आकर्षक बनाते हैं पाठ्यपुस्तक की सहायता से। पांचवा बिंदु क्या है दोस्तों, बिना पाठ्यपुस्तक की सहायता से अध्यापक कक्ष में पढ़ाएगा, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कोई निश्चित सीमा तय नहीं की जा सकती अगर कोई पाठ्यपुस्तक ना हो, कोई हमारे पास बुक्स ना हो। और लास्ट में इसमें बिंदु है दोस्तों, पाठ्यपुस्तक अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों को एकजुट बांधे रखता है, टीचर जो पढ़ाता है, विद्यार्थी अपने बुक्स में देखते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक साथ एक जगह होते हैं। तो ये था दोस्तों पाठ्यपुस्तक की आवश्यकताएं, दो बिंदु, विद्यार्थी और अध्यापक। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है, तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं हैं, मतलब किस पाठ्यपुस्तक को कहेंगे कि अच्छी पाठ्यपुस्तक है, बहुत जनरल सी बात है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं बिंदुओं पर। तो सबसे पहले अच्छी पाठ्यपुस्तक में छात्रों के स्तर एवं उनकी रुचियों का ध्यान रखा जाता है कि कौन से लेवल का बच्चा है, कौन से क्लास का है और क्या इंटरेस्ट रखता है, ओके। और उचित उदाहरणों के साथ प्रत्ययों को स्पष्ट कराया जाता है, जो भी पढ़ाने वाली चीजें हैं ना वो उचित एग्जाम्पल के साथ उसमें बताया गया हो, ठीक है। अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता ये भी है कि पाठ्यपुस्तक के लेखक ज्ञानवान और बुद्धिजीवी होते हैं और उनके पृष्ठ में मजबूती तथा मजबूती के साथ उनके अक्षरों में स्पष्टता होती है, पता है? मतलब कोई कोई लेखक एक ही वर्ड्स में कुछ चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो पाठ्यपुस्तक के लेखक ज्ञानवान और बुद्धिजीवी होते हैं अच्छी पाठ्यपुस्तक की। तीसरी बिंदु, इस प्रकार की पुस्तकों का निर्माण समाज की आवश्यकता और विषय वस्तु के आधार पर ही किया जाता है, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। ये अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं आप पढ़ रहे हैं। चौथा भाई, विषय वस्तु का संगठन तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है। अच्छे पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालकों के मानसिक स्तर के, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है ना, जैसे कि किस हिसाब से प्रिंट है उसका, किस हिसाब से उस पर लिखा गया है, तो वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होती है। अच्छी पाठ्यपुस्तक विशेषता एक और है कि व्याख्या स्पष्टीकरण उदाहरण की मदद से विषयों को सरलीकरण हुआ, मतलब आसान तरीके से एक्सप्लेन करके उसमें बताया गया रहता है एग्जाम्पल्स के साथ। भाषा शैली में सरलता होती है, इजी वर्ड्स लिखे रहते हैं, अस्पष्टता होती है, मतलब साफ सुथरी सरलता से इजी वर्ड्स में लिखे रहे होते हैं। अच्छी पाठ्यपुस्तक की और विशेषताएं क्या है भाई, पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों में श्रम
पढ़ने की रुचि, अब भाई स्वयं श्रम नहीं, यहाँ पे स्वयं होना है ओके। तो पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित करने की क्षमता होती है। कुछ ऐसे बुक्स होते हैं अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मतलब इंसान कनेक्टेड हो जाएगा, उससे जुड़ा हुआ लग जाएगा, दिल ही नहीं करेगा कि उसको छोड़ो। तो ये अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। और विषय वस्तु से संबंधित आधुनिक घटनाओं तथा तथ्यों तथा समस्याओं पर बल दिया गया हो, नई नई चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है, नए नए प्रॉब्लम्स क्या हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या है और नए फैक्ट्स क्या हैं, इस चीज़ का उस पर ज़्यादा फोकस किया गया हो और विषय वस्तु से किसी की भी भावनाओं को आहत ना पहुँचती हो, ऐसे पाठ्य पुस्तक। तो ये सारे पॉइंट थे दोस्तों इसकी विशेषताएँ कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएँ होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं और बस ये वो पॉइंट्स थे जो इजीली मुझे समझ में आ रही थी, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पॉइंट कर दिया 10 पॉइंट। आप इसको एक बार बस देख लीजिए, एग्जाम्स में आएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। दोस्तों कुछ एक छोटी सी चीज़ें और आप सबको समझने वाली बात है कि पाठ्य पुस्तक को चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और पाठ्य पुस्तक की कुछ कमियाँ कुछ दोष क्या होती हैं, बस उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, पहली बात की पॉइंट्स देखिए, बस पॉइंट्स इतना पढ़ने वाली बात, पॉइंट्स देखिए बस। पहली बात कि पाठ्य पुस्तक का नाम हमें ध्यान में रखना है, उसके लेखक को ध्यान में रखना है, उसकी विषय सूची, उसका प्रकाशन, प्रकाशन की तिथि और प्रस्तुतिकरण कैसे प्रिंट हुआ है और उसका मूल्य क्या है। तो हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय। और पाठ्य पुस्तक की दोष क्या है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में एक दोष मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखिए ये इसलिए इसका दोष है ना क्योंकि हमारे पास बुक्स है तो हम डिपेंडेंट हो गए, मतलब बुक्स पे ही डिपेंड हो गए, बुक्स के बाहर की चीजें हम इंटरेस्टेड ही नहीं है कि क्या होता है। इवन आप एक बच्चे को अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे तो वो कहेगा नहीं ये मेरी किताब में नहीं लिखा है, वो यकीन ही नहीं करेगा। तो यही इसकी कमी है कि हम अत्यधिक निर्भर हो गए अपनी पाठ्य पुस्तक पे और पुस्तकीय ज्ञान पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब पुस्तक पे जो लिखा है मतलब वही, ठीक है, हम खुद से करके सीखना या फिर अपने एक्सपीरियंसेस इन चीजों पे हम बहुत कम फोकस करते हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्तिगत अनुभव की कमी, वही बात है ना कि जब खुद से अनुभव करके कुछ सीखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये पाठ्य पुस्तक के दोष है कि एक किताबों में सारी चीजें मिल जाती हैं तो हमें खुद उस पर रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता। तो पाठ्य पुस्तक की कमियों में एक और है कि रुचि ना होने पर भी अध्ययन करना। अब मान लीजिए आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसी कई पॉइंट्स और ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिसका आपका इंटरेस्ट नहीं है मगर फिर भी पढ़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपकी सिलेबस आपके पाठ्य पुस्तक में है। दूसरा लास्ट पॉइंट दोस्तों, संपूर्ण अध्ययन करना आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। और लास्ट मूल्य अधिक होना, किताबें बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो ये सारी चीजें भी क्या हो गई पाठ्य पुस्तक की दोष हो गई। तो दोस्तों बहुत ही छोटी और इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, देखिए आपके एग्जाम्स में कब कौन सा पॉइंट आ जाए कोई नहीं जानता, कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के छोटे छोटे पॉइंट्स भी आ जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको पाठ्य पुस्तक की संपूर्ण जानकारी दे दी, जैसे पाठ्य पुस्तक को चयन करते में कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, पाठ्य पुस्तक के दोष क्या हैं और पाठ्य पुस्तक की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर इसको याद करिएगा, याद नहीं समझ जाइएगा ओके। इसके अलावा हमने क्या देखा कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, तो आवश्यकताओं दो आधार पर हमने देखी, पहला भाई विद्यार्थी के दृष्टिकोण से और दूसरा अध्यापक के दृष्टिकोण से। इसी के साथ साथ हमने पाठ्य पुस्तक की परिभाषा देखी, ठीक है, चार विद्वानों के द्वारा, ब्रेकन के अनुसार, लेज के अनुसार और हैरोलिकर के अनुसार और टी रेमंड के अनुसार। और इसके अलावा हमने पाठ्य पुस्तक का अर्थ देखा कि पाठ्य पुस्तक अर्थात पाठ्य से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक कहते हैं। तो ये छोटी सी टॉपिक थी दोस्तों, मैंने सोचा आपको बता दूं, कोई चीज़ छूट ना पाए, कोई चीज़ रह ना पाए, एग्जाम्स के लिए प्रॉपर प्रिपेयर होना। अब एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, आप अपनी बुक खोलिए, फोर्थ यूनिट देखिए कि फोर्थ यूनिट में क्या क्या चीज़ें, आप पाएंगे कि सारी चीज़ें कवर हो गई। जो चीज़ें रह गई हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एक यूनिट एक दिन में खत्म करना है दोस्तों, खत्म करना है मतलब खत्म करना है। जय हिंद, जय भारत, जय। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताइए, फीडबैक जरूर बताइए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। और सबसे आखिरी में मैं कहता हूँ कि अगर अच्छी लगी हो जानकारी तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।